गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. फर्स्ट स्टेप है आपका, अवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट एज लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ. बट वॉट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं अर्थ पे? ठीक है, वो आपको कंपोनेंट्स, राइट डाउन द कंपोनेंट्स दैट यू थिंक आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. वो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर राइट करने हैं. नेक्स्ट है आपका, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफेयर. वॉट इज एटमोसफेयर? द ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर का जो ब्लैंकेट है और अर्थ को जो चारों तरफ से घेरे हुए है, दैट इज कॉल्ड द एटमोसफेयर. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेज, बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती है एटमोसफेयर. द एयर इज डेंसर नियर द अर्थ सरफेस एंड गेट्स थिनर एज वी मूव अपवर्ड्स. जो एयर होती है हमारी, वो अर्थ के पास थोड़ी हार्ड होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो हल्की होती जाती है. इट इज़ बिलीव दैट द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब देखिए कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, अर्थ किन किन गैसों से मिलकर बनी है. ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेपर, वाटर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक. नेक्स्ट इज, दीज गैसेज आर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. थर्ड इज, ऑक्सीजन 21%, कितनी कितनी क्वांटिटी है गैसेज की एटमॉस्फेयर में, एंड नाइट्रोजन 78% आर द टू मेन गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर. कौन कौन सी हैं टू मेन गैसेज? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%. द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर आर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा. ऑल दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी, अबाउट 1%. इधर आपका ये पूरा चार्ट दिया हुआ है इस तरह से. ठीक है, कौन सी गैसेज कितनी क्वान्टिटी में है आपके एटमोसफेयर में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, मैथेन. ठीक है, ये आपको लर्न होने चाहिए, इनको आप अपनी कॉपी में चार्ट भी बनाएंगे इसका. अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है. द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू फाइव लेयर्स. फाइव लेयर्स में डिवाइडेड है हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? अर्थ के सरफेस से. ओके, तो दीज लेयर, सबसे पहले आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट इज स्टेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एग्जोस्फेयर. इस तरह से हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है. इधर आपकी जिसके पास बुक है वो बुक में देखेंगे. ठीक है, बुक में इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा आपका. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में. व्हाट इज़ द ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. सबसे नियरेस्ट, अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो लेयर है वो कौन सी आपकी? ट्रोपोस्फेयर. इट इज आल्सो द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप्रॉक्सिमेटली टू अ हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड अबाउट 14 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर. यह आपने पढ़ाई होगा पोल्स और इक्वेटर. ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? 8 किलोमीटर. पोल्स पर 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पर 14 किलोमीटर. द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ इंक्रीज इन हाइट. जैसे जैसे हाइट ऊपर की साइड बढ़ती जाती है,
जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ती रहेगी 1 डिग्री सेल्सियस, एवरी 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। कितने मीटर पर? 165 मीटर पर कितना डिक्रीज होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। द रिडक्शन इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन द हाइट इज कॉल्ड लैप्स रेट। और इस जो ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इसको क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। थर्ड इज डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर आर फाउंड इन दिस लेयर ओनली। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आपके, वाटर वेपर होते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो इसी लेयर में मिलती हैं आपकी, ठीक है? कौन सी लेयर में? ट्रोपोस्फेयर में। ऑल एलिमेंट्स सच एज क्लाउड, विंड, रेनफॉल, फॉग, फ्रस्ट, थंडर एंड लाइटनिंग विच डिटरमाइन द वेदर आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। और ये चीज़ें भी कहाँ मिलती हैं आपकी? ट्रोपोस्फेयर में। क्लाउड्स, विंड, रेनफॉल, ये सब जितनी भी इंसिडेंट होते हैं कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। तो ये आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पढ़ेंगे व्हाट इज द स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। दिस इज द इनफ फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, ओके?